वेलकम माय करियर टिप्स यूट्यूब चैनल भाई चैनल स्वागत में बताऊंगा कैसे आप कोको बीन्स का उत्पादन ले सकते हैं। कोको बीन एक ऐसी फसल है जो कि जिसका जो चॉकलेट बनाने वाली कंपनियां हैं वो इस कोको बीन्स को परचेस करती हैं इस क्रॉप को, और काफ़ी अधिक मात्रा में इसकी डिमांड रहती है। ये इम्पोर्ट तक कराती हैं कंपनियाँ क्योंकि उतना उत्पादन अपने क्षेत्र इंडिया में नहीं होता जितना इसकी डिमांड रहती है। तो काफ़ी ये कॉस्टली फसल है, काफ़ी डिमांडेड है, तो आप इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं आपके एरिया में। अगर आपकी मिट्टी कोको बीन्स उगाने लायक है, रेतीली मिट्टी की डिमांड रहती है जहाँ तक इसकी कोको बीन्स का, और आप पता कर सकते हैं आपके क्षेत्र में हो सकती कि नहीं हो सकती कोको बीन्स। ये आंध्र प्रदेश कर्नाटका साइड सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है, वहीं से सभी जगह सप्लाई होती है, वहीं से मतलब जितनी भी कंपनियां वहीं से परचेस करती हैं, और जो कंपनियों को नहीं मिलता वो इम्पोर्ट भी कराती हैं। तो काफ़ी डिमांड इसकी वहां पर है, डिमांड बनी रहती है क्योंकि ये चॉकलेट बनती है, आप चॉकलेट की डिमांड तो पूरे साल बनी रहती है, तो कोको बीन्स की भी डिमांड रहती ही है। तो आप पता कर सकते हैं इसमें कौन सी कितनी लागत लगती है, कितना फ़ायदा होता है, और क्या सावधानी रखना पड़ती है, और कहाँ पर इसके नुकसान हो सकते हैं, मतलब सब चीज़ें पता करके ही आप इसकी फसल का पता करें, उसके बाद ही और कृषि विभाग से ही पता करें कि कोको बीन्स का उत्पादन कैसे होता है और इसमें क्या लागत लगती है, इसकी वैरायटी कहाँ मिलती है, और आप दूसरे अपने स्रोत संपर्क सूत्र के थ्रू पता कर सकते हैं, आपकी जो पहचान के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई कोको बीन्स की फसल का उत्पादन अपने क्षेत्र में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अपने यहाँ का क्लाइमेट वैसा है कि नहीं, वातावरण कि यहाँ अगर अपन लगाएं तो होता है कि नहीं होता, आप और भी जानकारी ले सकते हैं और कोको बीन्स का उत्पादन ले सकते हैं, या फिर ट्रेड भी कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अगर आप फसल उत्पादन नहीं कर सकते तो फिर आप ट्रेड भी कर सकते हैं, इसका व्यापार कर सकते हैं, आप खरीद के बेच सकते हैं होलसेल में परचेस करके, कहाँ इसका उत्पादन होता है बुक वहाँ से आप परचेस करके आप ट्रेड कर सकते हैं। अब ये सिर्फ इसका ज़्यादातर उत्पादन जो भी उत्पादन होता है इसे कंपनियाँ ही परचेस करती हैं क्योंकि वो चॉकलेट बनाती है, ज़्यादातर ये चॉकलेट बनाने के ही काम आता है कोको बीन्स, तो कंपनी ही मेन परचेसर होती हैं इसकी कोको बीन्स की ज़्यादातर। तो आप अपने हिसाब से इसको ट्रेड कर सकते हैं और इसका सेल कर सकते हैं। तो मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।